हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इलास्टिसिटी का यूज़ करते हुए मटेरियल्स को कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है, कौन सा मटेरियल कम इलास्टिक होता है। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी by virtue of which material regains its original shape and size once the deforming agent is removed. इसका क्या मतलब है? Deforming agent जो भी deformation cause कर रहा है, for example, अगर मैं एक rubber band ले लूँ तो इसका ये size है, मैं इस पर force लगाकर इसको deform कर सकता हूँ, तो डिफॉर्मिंग एजेंट कौन क्या हो गया? फोर्स। तो उस फोर्स को रिमूव करने के बाद, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग एजेंट, हमने फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म कर दिया। अब फोर्स को रिमूव करने के बाद देखिए, ये वापस से अपने शेप पे आ गया, अपने साइज पर आ गया। तो डिफॉर्मिंग एजेंट या डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद जिस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करता है, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो डेफिनेशन बेटर है। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल रेजिस्ट्स डिफॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मिंग एजेंट्स। मतलब जब मैं इस रबर बैंड को खींच रहा था तो मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया है। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर मैं इस रबर बैंड पे फोर्स लगा रहा हूं तो रबर बैंड भी मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसकी वजह से रबर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, डिफॉर्मिंग एजेंट को रजिस्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बेसिस पर हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। अगर आपने किसी मटेरियल को डिफॉर्म किया और डिफॉर्म करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया ऑब्वियसली, तो उस डिफॉर्मिंग एजेंट को, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर कोई मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज 100% रीगेन कर लेता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक है। ये सिर्फ एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में नहीं होता, असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। अगला है इलास्टिक। इलास्टिक मटेरियल वो है जो कि अपना ओरिजिनल शेप और साइज पार्शियली रीगेन करते हैं। जो मटेरियल्स 100% रीगेन कर लें उसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक, जो पार्शियली रीगेन कर लें उनको कहेंगे इलास्टिक। और प्लास्टिक मटेरियल्स क्या है? ये वो मटेरियल्स हैं जो कि अपना शेप और साइज रीगेन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एट ऑल, बिल्कुल भी रिफॉर्म होने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे मटेरियल भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। परफेक्टली इलास्टिक भी आइडियल कॉन्सेप्ट है, परफेक्टली प्लास्टिक भी आइडियल कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी परफेक्टली प्लास्टिक के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं जो कि इसके बहुत क्लोज हैं। क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स? आप बात कर सकते हो मड की,
या फिर डो की, आटा गूथा हुआ आटा या फिर कीचड़, मतलब आपने मिट्टी के एक बॉल बना लिए, तो उसको अगर आप डिफॉर्म कर देते हो तो जैसे शेप में छोड़ते हो उसी शेप में वो रुक जाता है, मतलब अपने शेप को वापस से रीगेन करने की कोशिश नहीं करता। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो अब बात उठती है कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है। खासतौर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अक्सर स्कूल लेवल पर भी और अलग अलग लेवल्स पर भी, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, रबर या स्टील। अब नाम से ही लगता है रबर है तो ज़्यादा इलास्टिक होगा, रबर को तो इलास्टिक कहते भी है, रबर को हम डिफॉर्म करते हैं आराम से डिफॉर्म हो जाता है, छोड़ने पर वापस अपना शेप रीगेन कर लेता है, तो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर रहा है रबर, इसलिए रबर क्या है ज़्यादा इलास्टिक है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटीरियल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, रबर या स्टील। रबर पे अगर हम एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएं तो ये रबर टूट जाएगा, ये एक लिमिट से ज्यादा फोर्स को रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। पर अगर मैं लगभग इसी साइज के स्टील रॉड पे फोर्स लगाऊं तो ये रबर टूट नहीं पाएगा, मतलब ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक इन कंपैरिजन टू रबर। स्कूल के एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, स्टील इज मोर इलास्टिक इन कंपैरिजन टू रबर। क्यों? बिकॉज इट कैन रेजिस्ट मोर डिफॉर्मिंग फोर्स, मोर डिफॉर्मिंग एजेंट।